हेलो गाइस, एज ऑलवेज आई होप कि आप सब जो है वेल एंड फाइन होंगे। देखो गाइस, आज हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल देखेंगे 1905 का। ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुआ था, भारत की स्वतंत्रता की संग्राम, तो भारत की स्वतंत्रता के संग्राम के अंदर ही पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी पढ़ा जाता है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक जीता जागता नमूना और उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे हमारे चैनल पे जिसको ये लेक्चर और मेरा कंक्लूजन सुनकर जो है वो बुरा लग सकता है, और वो ये बात है, एक प्रश्न है वह कि जब जब देश टूटा है तो सिर्फ हिंदुओं को ही जो है पेन फील क्यों होता है जबकि मुसलमानों को नहीं होता है, इसके पीछे क्या कारण है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मुसलमान होंगे, धर्म से बिलोंग करते होंगे, मुझे उनको जो है वो हर्ट करने का कोई भी जो है इंटेंशन नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है वो तो लीगल एंड जो है इम्पोर्टेंट रेज हो रहा है इस संदर्भ में, जो है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो स्टार्ट हुआ, बेसिकली ये जो है बहुत बड़ा एक बंगाल प्रेसिडेंसीज हुआ करता था, और यहाँ पर जो है ब्रिटिश राज के समय में जो है 1905 में सबसे बड़ा प्रेसिडेंसीज के रूप में था। तो पार्टीशन हो गया यानी कि मुस्लिम ईस्टर्न एरिया जो था वो डोमिनेंट पॉपुलेशन था, जबकि हिंदू जो थे वो वेस्टर्न एरिया में ज़्यादा थे। 16 अक्टूबर को 1905 के अंदर जो है पार्टीशन होता है, जबकि इसका पृष्ठभूमि 20 जुलाई 1905 को ही लिखा चुका था। सो इंडिया अक्रॉस द कंट्री वेयर आउटरेज एट व्हाट दे सोज एज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी गेनिंग मेंटेनिंग पावर ऑफ द ब्रेकिंग अप टू द लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इनटू पीसेस। सो जो लार्ज पीस था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का लॉर्ड कर्जन का जो स्ट्रेस, इट वाज प्रोड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। बट ये क्वेश्चन तो आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसीज के तरीके से इस जो है यानी कि धार्मिक समीकरण के आधार पर तोड़ देना, ये तो कहीं पे जायज नहीं है। बट द अल्टीमेट मोटिव रिमेंस क्वेश्चनेबल एज द टूल लेटर डेटेड द 7 फरवरी एंड 6 दिसंबर को 1904 में एक जो है जो हर्बर्ट रेसली का लेटर जो था, वो हर्बर्ट रेसली जो था लॉर्ड कर्जन का होम सेक्रेटरी था, और उसने लिखा था कि बंगाल यूनाइटेड इज ए पावर, सो द बंगाल डिवाइडेड विल गो इन डिफरेंट वे। तो इस लेटर से ये स्पष्टीकरण मिलता है कि उसे जो है उस पावर को तोड़ना था। सो बेसिकली व्हाट इट प्लान, सो द पार्टीशन प्लान किया गया एंड अपोज बाय कांग्रेस मेरिट फॉर अस। ये नहीं कि लॉर्ड कर्जन का ये होम सेक्रेटरी कहना चाहता था कि जो कांग्रेस अपोज कर रही है वो उसको प्रॉफिट देगा, क्योंकि मुस्लिम सेंटीमेंट और हिंदू सेंटीमेंट दोनों में जो है वो एक दरार आएंगे एंड इंकरेज द मुस्लिम टू फॉर्म देयर ओन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो एक सेपरेट जो है वो कंसेप्ट एक प्रोविंस का आता है। सो इन ऑर्डर टू अपीज द बंगाली सेंटीमेंट बंगाल वॉज reunited by the लॉर्ड हार्डिंग इन द 1911। सो इट रिस्पॉन्स टू स्वदेशी मूवमेंट जिसको लाल बाल पाल ने स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट को महात्मा गांधी का भी आप कह सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का कंसेप्ट नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री जो है, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पॉल का वो कंसेप्ट था स्वदेशी मूवमेंट वाला। सो द बंगाली प्रेसिडेंसीज इन कॉम्प्रेस बंगाली बंगाल बिहार एंड छत्तीसगढ़ ओडिशा एंड असम। सो विद द पॉपुलेशन यहाँ पे जो था वो 78.5 मिलियन का था, एंड इट वाज ब्रिटिश इंडिया के लार्जर जो है प्रोविंस के रूप में जाना जाता था। बट वट इट हैपन्स ऑफिशियली डॉम हैड मेंटेन दैट द ह्यूज साइज क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर द मैनेजमेंट एंड द इफेक्टिव जो है नहीं हो पाता है मैनेजमेंट। ईस्टर्न जो रीजन है, जो पुअरेस्ट रीजन था, उसको ये जो है ब्रिटिश के तौर पर कहा जाता था। सो देयर फोर कर्जन प्लान टू स्प्लिट ओडिशा एंड बिहार एंड ज्वाइन 5th ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल विथ असम। सो द ईस्टर्न प्रोविंस हैज द पॉपुलेशन ऑफ 31 मिलियन, जिसमें मोस्ट ऑफ जो था वो मुसलमान पॉपुलेशन था, और जो सेंट्रल ढाका आज के दिन में है। सो वंस द पार्टीशन वॉज कम्प्लीटेड कर्जन पॉइंटेड आउट किया कि अब जो है मुस्लिम के लिए एक नया जगह बन गया है जो प्रोविंस होगा, मुस्लिम का प्रोविंस होगा। सो कुछ लोगों का मानना है लेकिन कि मे बी द लॉर्ड कर्जन
intention was divide Bengali but not divide Hindu and from Muslim. But what the questions raised here, that if they divide, want to divide the Hindu Bengali and Muslim Bengali into two part, then how it possible they did not want to divide the Hindu and Muslim. Okay, so the ek main questions yahan pe raise karta hai. To is questions ka kya aap logon ke man mein vichar aata hai usko niche comment karke ek sahi tarike se batayega. Ab kyunki jo hai Hindu aur Musliman ko hi to divide tha, यदि बंगाली हिंदू और मुसलमान डिवाइड होते हैं. सो द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड द अदर प्रोविंस विद द ओडिशा एंड बिहार. सो द यूनियन ऑफ द बंगाल वाज ओडिशा एंड बिहार. वेस्टर्न बंगाल विद ओडिशा एंड बिहार रिड्यूस द स्पीकिंग ऑफ बंगाली लैंग्वेज एंड टू द माइनॉरिटी हो गया वहाँ पे. और मुस्लिम लेट टू द नवाब साहब सलीमुल्लाह जो था ढाका का, वो सपोर्ट करता था पार्टीशंस को, जबकि हिंदू जो है अपोज करता था पार्टीशंस को. तो जो ये नवाब सलीमुल्लाह के अंदर में जितने भी मुसलमान कार्यकर्ता थे, सब जो है सपोर्ट करता था जबकि हिंदू अपोज करता था. तो इससे क्या सीखने को मिलता है और क्या समझने को मिलता है इतिहास से, सो भी कमेंट करके नीचे बताइएगा. तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए तो मिलते हैं आगे. धन्यवाद.